हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए आ गई है। जी हाँ, ONGC की तरफ से अपेंडिसिप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ONGC ने जो अपेंडिसिप नोटिफिकेशन का रिलीज किया है उसे फाइनली कौन कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो ITI वाले हो, BTEC वाले हो या फिर डिप्लोमा वाले हो, क्या क्या एज क्रिटेरिया रखा गया है, आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, आपका जॉब लोकेशन क्या होगा और कितने ईयर का आपका अपेंडिसिप ट्रेनिंग होगा, चाहे ITI का बात करें, BTEC या फिर डिप्लोमा का। तो वीडियो की शुरुआत करते इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी अपेंडिसिप का फॉर्म का इंतजार कर रहे थे वो फाइनली फॉर्म को फिल कर सके। इससे पहले आप लोगों को पता है कि BLW का जो फॉर्म फिल था उसका लास्ट डेट खत्म हो गया है, अब इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो लोग पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं उनका फॉर्म फिल लास्ट आपका 28 तारीख तक फॉर्म को उनको कंप्लीट कर देना है, अन्यथा उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। आपका लास्ट डेट 28 वैसे कैंडिडेट के लिए है जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अपना जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट नहीं, मतलब एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं किए हैं, उसके लिए लास्ट डेट है 28 तारीख तक रखा गया, चाहे आपका बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड का या फिर आपका फीस पेमेंट का। पर आप जो सोच रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे तो फाइनली BLW में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बात करें BLW का वैकेंसी का तो आपको नेक्स्ट ईयर आप ये फरवरी से अप्रैल के मध्य आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इस वैकेंसी में ONGC के जो रिक्वायरमेंट आई है अपेंडिसिप के उसके बारे में। तो देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट करके इस ऑफिशियल पेज पे पहुँच सकते हो और फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे जो भी डाउट होगा वो अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो हम अभी इसका ऑफिशियल साइट पर हैं, उसके बाद आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। देखिए आपका ऑफिशियल साइट यहाँ पर दिया मेंशन किया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जब ये लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहां पे देखिए सारा ईयर आपका अलग अलग वेरिएंट में यहां पे शो हो रहा है। आपको 2022 वाले ईयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहला नंबर में आपको दिखाई देगा, यहां पे देखिए नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अपेंडिसिप ट्रेनिंग 2022। ये देखिए आपका 26 अप्रैल 2022 की डेट में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो इस नोटिफिकेशन पेज को। अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, इसके लिए मैं अलग से आप सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए हम सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ONGC के अपेंडिसिप के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन 27 अप्रैल के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ONGC/APPR/1/2022। लास्ट डेट आपका कब तक है, तो लास्ट डेट आपका 15/5/2022 तक रखा गया, मतलब 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। आराम से आपको आवेदन करना, बहुत डेट है अभी आपके पास, बहुत टाइम है। बात करें आपका नेक्स्ट एंगेजमेंट फॉर अपेंडिस अंडर दी अपेंडिस एक्ट 1961। उसके बाद बात करें तो देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC विच इज इंडिया फ्लैक्सिप एनर्जी मेजर ए महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल गैस इन इंडिया एंड अब्रॉड सच इज मेंशन ऑफ स्किल बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ए नेशन पर्पस ऑफ एंगेज अपेंडिसिप फ्रॉम इट्स ऑपरेशनल एरिया एट इट्स लोकेशन अक्रॉस 20 होता है। चलिए बात करें नेक्स्ट आपका, देखिए तो लोकेशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। देखिए लोकेशन एंड टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ सीट्स, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के बारे में बताया गया है और आपका लोकेशन क्या रहेगा वो भी यहाँ पे बताया गया है, नंबर ऑफ सीट कितना है वो भी बताया गया है। तो चलिए फाइनली इस नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका बताया है वर्क सेंटर, सीरियल नंबर, ट्रेड और नंबर ऑफ सीट। बात करें आपका वर्क सेंटर, तो पहला आपका है नॉर्थन सेक्टर से आपका देहरादून। देहरादून में टोटल आपका 15 तरह का ट्रेड से आपका अपेंडिसिप का भर्ती होगा। कितना, 15 तरह का ट्रेड से अपेंडिसिप का भर्ती होगा। बात करें आपका देखिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव में 20 सीट, असिस्टेंट में आपका 20 सीट, कंप्यूटर ऑपरेटर में 20 सीट, उसके बाद असिस्टेंट में 20 सीट, इलेक्ट्रीशियन में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 10, फीटर में आपका 10 सीट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 10 सीट, मैकेनिक डीजल में 10 सीट, मैकेनिस्ट में 10 सीट, उसके बाद आपको मेडिकल लेबोरेटरी में 2 सीट देखने को मिलेगा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 2 सीट देखने को मिलेगा, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोग्राफी से उसमें आपको 2 सीट मिलेगा और फाइनल वेल्डर में आपको 3 सीट देखने को मिलेगा। लास्ट बात करें आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में आपका 10 सीट देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें
देहरादून से तो आपका टोटल 159 सीट देखने को मिलेगा। बात करें आपका दिल्ली डिवीजन से, तो दिल्ली डिवीजन में देखिए अकाउंट एक्सिक्यूटिव का 12 सीट मिलेगा, उसके बाद आपको ऑफिस अटेंडेंस का 20, वहीं आपको असिस्टेंट का बात करें तो 6, और कंप्यूटर ऑपरेटर का बात करें तो आपका 2 सीट देखने को मिलेगा। दिल्ली डिवीजन से आपका टोटल 40 सीट देखने को मिलेगा। बात करें आपका जोधपुर में, तो टोटल आपको जोधपुर में देखिए 10 सीट देखने को मिलेगा। वहीं बात करें कि नॉर्थन सेक्टर में टोटल वैकेंसी कितना है, तो 209 के आसपास है। कितना? 209 आपका नॉर्थन सेक्टर रेलवे में वैकेंसी निकला है अपेंडिसशिप का। क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टाइपेंड मतलब आपको सैलरी कितना मिलेगा, ये अभी वीडियो के एंड में भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझते चलिएगा, किन किन लोग को फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये भी आपको सारा कुछ वीडियो के इंड में सारा कुछ आपको पता चलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट देखिए वर्क लोकेशन आपका है मुंबई सेक्टर। क्या यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ मुंबई सेक्टर। वर्क सेंटर देखें तो देखिए मुंबई में आपका टोटल वैकेंसी का बात करें तो देखिए 11 ट्रेड पे आपका जो वैकेंसी है वो निकाला गया है। टोटल बात करें तो 200 सीटों पे आपका वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। कितना? 200 सीट है टोटल आपका बात करें तो मुंबई से। वहीं बात करें गोवा लोकेशन से, तो गोवा लोकेशन में आपका टोटल 6 ट्रेड में आपका वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। बात करें नंबर ऑफ टोटल सीट का, तो गोवा डिवीजन से आपका नंबर ऑफ टोटल सीट देखने को मिल रहा है 15। वहीं बात करें हाजिरा से, तो हाजिरा में टोटल 10 ट्रेड से आपका वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सीट का बात करें तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट आपको यहां पे देखने को मिलेगा 74। वहीं अगर हम बात करें कि मुंबई सेक्टर से टोटल सीट कितना है, तो आप बोलोगे 305 है मुंबई सेक्टर से। 305 सीट पे अपेंडिसशिप का वैकेंसी निकाला गया है मुंबई सेक्टर से। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट आपका वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में देखिए पहला आता है कॉम्बे, इसमें आपका टोटल वैकेंसी 14 ट्रेड में आपका वैकेंसी को निकाला गया है। टोटल सीट आपका 96 है। कितना? 96 रखा गया है कॉम्बे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका वडोदरा। वडोदरा में सिर्फ 2 आपको ट्रेड पर अपेंडिसशिप वैकेंसी निकाला गया है। बात करें तो आपका 15 और 22, ठीक है 15 और 22 नहीं, नीचे भी दिया हुआ है तो नीचे वाला भी देख लेते हैं। तो टोटल बात करें 14 ट्रेड पे आपका वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 157 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। कहाँ पे? वडोदरा में। नेक्स्ट आपका बात करें तो देखिए अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में आपका टोटल बात करें तो इसमें आपको 21 ट्रेडों पे अपेंडिसशिप देखने जा रहा है। बहुत बड़ा इसमें नंबर दिया है ट्रेड का, 21 ट्रेडों पे आपका भर्ती अपेंडिसशिप का होगा। टोटल बात करें इसमें तो टोटल देखिए 438, जी हाँ 438 पोस्ट पे आपका अपेंडिसशिप का वैकेंसी जो है निकाला गया है। 438 कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बात करें नेक्स्ट आपका अहमदाबाद से। देखिए अहमदाबाद में टोटल आपका 17 जोन है। कितना? टोटल आपका नहीं, टोटल 20 जोन है। टोटल आपका 20 ट्रेड है। 20 ट्रेड से आपका अपेंडिसशिप का भर्ती लिया जाएगा, जिसमें आपका टोटल 387 सीट है। कितना? 387 सीट है आपका सिर्फ अहमदाबाद से। बात करें नेक्स्ट आपका महसाणा। महसाणा में टोटल आपका 19 ट्रेड का ऊपर आपका अपेंडिसशिप फॉर्म निकाला गया है। बात करें इसमें टोटल 356। वहीं हम बात करें टोटल वेस्टर्न सेक्टर से, तो वेस्टर्न सेक्टर में आप देख लीजिए 1434 वैकेंसी अपेंडिसशिप का, बहुत बड़ा नंबर है। 1434 वैकेंसी अपेंडिसशिप का फाइनली वेस्टर्न सेक्टर से रिलीज किया गया है। सभी सेक्टर वाइज अलग अलग वैकेंसी आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर से। ईस्टर्न सेक्टर से देखिए वर्क सेंटर, सीरियल नंबर, ट्रेड और नंबर ऑफ सीट कितना है। बात करें जोरहट से, तो इसमें आपका टोटल 4 ट्रेड पर वैकेंसी को निकाला गया है अपेंडिसशिप का। बात करें टोटल सीट का, तो 110 सीट पर वैकेंसी आपका निकाला गया है। बात करें आपका नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या है सिलचर। सिलचर में टोटल आपका 11 ट्रेड पर अपेंडिसशिप निकाला गया, जिसमें आपका टोटल 51 सीट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें नाजिराम शिवसागर, ठीक है इसमें आपको टोटल देखिए कितना आपको टोटल देखने को मिल रहा है। टोटल आपका 22 सीटों पर अपेंडिसशिप वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें टोटल सीट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है 583। टोटल ईस्टर्न सेक्टर का वैकेंसी का बात करें तो 744 सीट है टोटल आपका ईस्टर्न सेक्टर से। वहीं बात करें आपका साउथर्न सेक्टर। साउथर्न सेक्टर में आपका देखिए टोटल चेन्नई से आपका 4 ट्रेड पर आपका अपेंडिसशिप देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल सीट 50 है। वहीं बात करें काकीनाडा से, तो आपका 10 ट्रेड से अपेंडिसशिप देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल वैकेंसी का बात करें तो आपका टोटल वैकेंसी 58 देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आपका राजमुंद्री, तो राजमुंद्री से देखिए आपको टोटल 18 ट्रेडों से अपेंडिसशिप देखने को मिल रहा है। जो 18 ट्रेड होते हैं कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। 18 ट्रेड से अपेंडिसशिप वैकेंसी राजमुंद्री से देखने को मिल रहा है। टोटल वैकेंसी का बात करें तो आपका 353 है। कितना? 353 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। बात करें नेक्स्ट लोकेशन का, तो कराईकाल, यहाँ पे आपका टोटल 21
ट्रेड से देखने को मिल रहा है वैकेंसी। वैकेंसी टोटल वैकेंसी का बात कर लें तो टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 233। वहीं बात करें टोटल साउथ एंड सेक्टर से कितना वैकेंसी है तो आप बोलोगे 694, टोटल वैकेंसी 694 है। नेक्स्ट आपका देखिए सेंट्रल सेक्टर, अब आपका आ गया सेंट्रल सेक्टर, वर्क सेंटर, सीरियल नंबर, ट्रेड और नंबर ऑफ सीट। पहला बात करें अगरतला, अगरतला में आप देखिए टोटल 16 सीट से अपेंडिस वैकेंसी देखने को मिल रहा है। 16 सीट में आप एक बार देख सकते हो क्या क्या है। देखिए पहला अकाउंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असिस्टेंट, उसके बाद असिस्टेंट आईटीआई का, कंप्यूटर ऑपरेटर या आपका सीओसीपी है, ड्राफ्टमैन सिविल का, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स, उसके बाद आपका मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल से है, सर्वाइवर, उसके बाद 13 नंबर में वेल्डर, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनली मैकेनिक्स। 16 ट्रेड से आपका अपेंडिसिप का बहाली लिया जा रहा है अगरतला जोन से। बात करें इसमें टोटल वैकेंसी का तो टोटल वैकेंसी आपको 178 देखने को मिल रहा है। बात करें कोलकाता से तो कोलकाता से देखिए आपका टोटल ट्रेड आपका 17 है। कितना टोटल ट्रेड आपका 17 है। नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करें तो 50 वैकेंसी देखने को मिल रहा है कोलकाता से। टोटल सेंट्रल सेक्टर से बात करें तो टोटल 228 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि आपका टोटल वैकेंसी हर एक सेक्टर से कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ONGC का ये जो अपेंडिसशिप फॉर्म आया है ये आपका नोटिफिकेशन का वीडियो है। अगले वीडियो में अगर आपका एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, और नहीं तो आपका सिलेक्शन कैसा होगा, प्रीवियस ईयर का कटअप जो था वो कितना गया था, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया वैकेंसी के बारे में कि हर एक सेंट्रल से हर एक सेक्टर से कितना कितना वैकेंसी है और फाइनली कितना ट्रेड को रखा गया। किसी किसी आपका जोन में तो 22 ट्रेड को तक कंसिडर किया गया है। आपका ऐसा कोई ट्रेड नहीं होगा चाहे बीटेक का बात करें, आईटीआई का बात करें या फिर डिप्लोमा का बात करें जो यहाँ पे मेंशन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को रखने की कोशिश किया गया है। बात करें आपका यहाँ पे देखिए एक नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 17/4/2022 से आपका 15/5/2022 तक आपका अपेंडिसिप अप्लाई करने का डेट इसके बीच में रखा गया है। एज क्रिटेरिया का बात करें तो आपका 18 मिनिमम और 24 मैक्सिमम होना चाहिए। एज कंसीडर जो है वो आपका 15 मई से किया जाएगा। ठीक है, 15 मई के आसपास से आपका एज कंसीडर किया जाएगा, चाहे आप उस डेट में कितने भी साल कितने भी वर्ष के होंगे। बात करें एज रिलैक्सेशन का तो देखिए ST/SC में आपका 5 साल का छूट देगा और OBC में आपका 3 साल का छूट दिया जाएगा। PWD का बात करें या एक्स सर्विसमैन का बात करें तो आपका 10 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करें आपका क्वालिफिकेशन, जो बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है आप लोगों के लिए, क्योंकि सभी लोग देखना चाह रहे थे कि फाइनली क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई तो है कौन सा ट्रेड या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक में कौन क्या गया क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो चलिए यहाँ पे आपका ट्रेड वाइज सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग दिया हुआ। बात करें आपका अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव का तो देखिए बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, बीकॉम फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। अगर आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव है तो आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। दूसरा बात करें आपका ऑफिस असिस्टेंट का तो बैचलर डिग्री इन BA और BBA फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपका असिस्टेंट में तो इसका ITI ट्रेड से स्टेनोग्राफर इंग्लिश और प्रैक्टिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का तो ITIN COCP ट्रेड। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रीशियन और ड्राफ्ट्समैन सिविल का तो सिविल से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा का क्वालिफिकेशन आपका टोटल 27 ट्रेड का दिया हुआ है, जिसका क्वालिफिकेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। ये सिर्फ नोटिफिकेशन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कि 27 स्टेट का क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया, चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो या फिर BTech हो, जिसके बारे में भी बात करेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर इसमें बात किया जाएगा फुल्ली एक्सप्लेन के साथ कि आप अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं अप्लाई कर सकते हो। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है जो जिसको इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि फाइनली स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, चाहे ITI का बात हो या डिप्लोमा का बात हो या फिर BTech का बात हो, आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा ये देख लीजिए। तो देखिए स्टाइपेंड का अलग सेक्शन बना हुआ है। आप अगर ग्रेजुएशन से हो, अपेंडिस कर रहे हो, चाहे BA, BCom, BSc या फिर BBA, तो आपको 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में ONGC के द्वारा आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें ट्रेड अपेंडिस में, जिसमें आपका फर्स्ट ईयर ITI और सेकेंड ईयर ITI, फर्स्ट ईयर में आपको 7,700 रुपये मिलेगा और सेकेंड ईयर में आपको 8,050 रुपये भुगतान किया जाएगा ONGC की ओर से अपेंडिसिप के दौरान। वहीं बात करें डिप्लोमा अपेंडिसिप, जिस जो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखा गया है उनको 8,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा शेड्यूल आपको स्टाइपेंड का दे दिया गया है कि किस तरीका से आपको स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा।
चलिए फाइनली बात करते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होगा, क्या रिटेन एग्जाम होगा या फिर आपका मार्क्स के अनुसार मेरिट बनेगा। तो चलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप वुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड मेरिट डाउन। इन केस ऑफ सिमिलर नंबर ऑफ मेरिट ए पर्सन विथ हायर एज वुड बी कंसिडर, नो कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंस वुड बी एक्सेप्टेबल एट एनी टाइम और मे बी रैंडम टू नन कंसिडरेशन। रिजर्वेशन ऑफ पॉसिबल पोजिशन विल बी फॉलो एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी ऑन STSC OBC PWD कैटेगरी एज पर द एंगेजमेंट ऑफ द अपेंडिसशिप अंडर द एक्ट अपेंडिसशिप 1961 एज अटेम्प्टेड। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों ने स्टाइपेंड के बारे में भी समझ लिया कि आप लोगों को कितना दिया जाएगा। चलिए फाइनली बात करते हैं आपका एनेक्सर वन में, देखिए आपका जो लोकेशन होगा, जॉब लोकेशन वो कितना होगा, वो कहाँ होगा, चाहे वो बात करें डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है देहरादून, करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका उत्तराखंड में है, करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट देहरादून में आपको कहीं भी मिल सकता है। बात करें नेक्स्ट दिल्ली का, तो नेशनल कैपिटल रीजन है जिसमें आपको दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में आपको आपका पोस्टिंग किया जाएगा। अगर आप बिलोंग करते हैं जोधपुर से तो यह राजस्थान के अंतर्गत आता है और जैसलमर और जोधपुर में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। बात करें चार नंबर गोवा, करस्पॉन्डिंग गोवा में है आपका, नॉर्थ एंड साउथ गोवा में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, अपना सारा यहाँ पे देख लेंगे, ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि चाहे आप किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो आपका जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे किया जाएगा, फाइनली यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो भी मेरिट डिसाइड होगा वो किस आधार पे होगा, अगर आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर कट ऑफ कितना जा सकता है, आप लोग कितना नंबर आपका है तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सभी जो आपका डाउट है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो लोग भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी सरकारी जॉब के साथ साथ कोई भी प्राइवेट हो या फिर सरकारी अपेंडिसशिप का कोई भी फॉर्म आता है, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्रॉफिट स्टडी से आपको मिलता है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।